क्या वाकई इशिता खुद गए हुए ताकि रूही हमारे पास? जी मम्मी जी, रूही को तो यही लगता कि इतना बड़ा कदम इशिता ने खुद लिया है। और पता नहीं, मुझे भी लग रहा है कि इशिता ये ड्रास्टिक स्टेप ले सकती है। मतलब हम सब जानते हैं कि वो रूही से कितना प्यार करती है और वो इस परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये तो ठीक है पुत्र, पर फिर भी उसे किसी को बताना चाहिए था, हमसे गल करनी चाहिए थी। ऐसे कैसे वो किसी को बताए बगैर चली गई? रमन, तेरे कुछ बताया इशिता ने? ये चीजू को क्या हो गया? मैं बात करता हूँ जाके। मुझे लगता है कि अगर अका ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता है ना कि वो सेफ है। पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मम्मी जी, रूही को लगता है कि इशिता ड्रामा कर रही है शादी का, इस सब का, ताकि वो यहाँ कुछ और दिनों के लिए रुक जाए। मुझे उसे समझाना होगा, उसे बात करनी होगी। मैं जाके उससे बात करती हूँ। पहले जाके पीहू को उसके दोस्त के घर से लाया, अब तो शादी भी नहीं हो रही। हाँ मम्मी जी, मैं आपको बताना भूल गई, पीहू के फ्रेंड की मॉम का फोन आया था, मिसेस दलाल। एक्चुअली वो लोग पिकनिक के लिए निकल गए सूरज कुंड, वापस आते समय उसे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर माहौल भी ऐसा था, मैंने सोचा वहीं पर वो ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। चल ठीक है। रूही, तू बात नहीं समझ रहा, कोई ना कोई गड़बड़ है यार। अरे सब कुछ ठीक हो गया था, रूही की शक मान ली थी हमने, हम शादी करने वाले थे, रूही हमेशा के लिए हमारे पास आती थी, सब कुछ ठीक हो जाता तो इशिता अपने आपको गायब करने का नाटक करती क्यों? भाई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया उन्होंने। देखो भाई, अब देखना भाभी खुद वापस आ जाएंगी, कहीं चली गई होगी, कुछ हो गया, हमें खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आप देख लेना भाई, भाई प्लीज आप प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा देखो, अभी मिहिर का फोन आया, वो आपको लेने आ रहा है, आपको ऑफिस जाना, आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज भाई जल्दी से रेडी हो जाओ। रूही प्लीज, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे यार, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज। कहाँ जा सकती है यार? इसे पानी पिलाया? तुझे पता है ना इसे मारना नहीं है, बॉस का फोन शाम तक आएगा, तब तक इशिता भल्ला को यहाँ रखना है, पर होशियारी से। हेलो, क्या पहना हो तुमने? ये पहन के जाओगी कॉलेज? हाँ क्यों, क्या बुरा इसमें? बुरा क्या है, अरे इसमें अच्छा क्या है? अरे सलवार कमीज पहनो, दुपट्टा ओढ़ो, साड़ी पहनो, ये सब क्या पहनकर जा रही हो तुम कॉलेज? बंदिरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट ए स्टूडेंट ओवर देयर, यू आर ए टीचर। बाला, मैं प्लीज यार, प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी। देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे कॉलेज के मेल प्रोफेसर तुम्हें घूर घूर कर देखें या तुम पर बुरी नजर रखें। प्लीज गो इनसाइड एंड चेंज यार, प्लीज। बाला प्लीज, मैं यही पहन कर जाऊंगी। और तुम्हें क्या हो गया, इतने पोजेसिव क्यों हो गए सडनली? पोजेसिव? अरे मैं अपनी बीवी के लिए पोजेसिव नहीं हूंगा तो क्या पड़ोसी की बीवी के लिए पोजेसिव हूंगा यार? क्या बात कर रही हो तुम? बंदिता, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, प्लीज गो इनसाइड एंड चेंज योर क्लोथ्स राइट नाउ। तुम्हारे लिए तो बदला ये ड्रेसिंग स्टाइल। बाला देखो, मैं यही पहन के जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो और तुम अपना काम पे ध्यान रखो ना, मैं जा रही हूँ। वंदिता, वंदिता, वंदु, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ? वंदिता आई एम वेरी सीरियस, तुम ये कपड़े पहनकर कॉलेज नहीं जाओगी तो मतलब कॉलेज नहीं जाओगी। ओके फाइन, जा रही हूँ। बाला, सब कुछ ठीक है ना? Is everything all right? यार दरअसल मैं अपनी बीवी की टांग खींच रहा हूँ। उसे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बात आ गई कि हमारी शादी में कुछ एक्साइटमेंट लाने की जरूरत है। यार इतने साल की शादी हो चुकी, एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो होती है। और वो सडनली उसने अपने कपड़े पहनने का तरीका चेंज कर दिया, वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही है बात बात पे। तो मैंने सोचा मैं भी उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा भाई, थोड़ा मजा लेने का हक तो पति को भी होता है। तुम बता इस समय वंदिता की कौन हेल्प कर रहा है, उसे कौन गाइड कर रहा है? कौन? आलिया। और इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि मैं जल रहा हूं, विच इज नॉट देयर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? क्या हुआ? नाटक कर रहे थे? नाटक कर रहे थे मेरे साथ? वेरी वेल, अब तो तुम्हें पता चल गया राइट, तो मुझे प्रिटेंड करने की तो जरूरत ही नहीं है, मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगी, समझे तुम? मेरी बात सुनो बंधु, बंधु प्लीज लिसन टू मी। अरे यार क्या करूं, इसका तो पारा चढ़ गया मीर। बंधु, बाला जी जो जाइए आप। ये आलिया भी ना, इसे क्या जरूरत है बंधु अक्का और बाला जी जो की रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की?
हाँ बॉस, वो हमारे पास है। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। बॉस ने कहा है कुछ दिनों तक हमें संभल कर रहना होगा, पर हम बॉस को फोन नहीं करेंगे। फिलहाल बॉस ने कहा है कि इसे यहाँ से कहीं और लेकर जाना है। पर कहाँ? बॉस का फोन आएगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल इसे उठाओ। ओहो, इसको भी अभी पंचर होना था। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा यार। कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा टायर है ना मेरे पास, अभी फिक्स कर देता हूँ। तुम तो बच्चों को बाहर निकाल के वेट करो। त्रिशु, पियू बेटा, आप लोग यहाँ रुको, अभी हम फटाफट से टायर फिक्स करके फिर चलते हैं, ओके? ओके आंटी। त्रिशा, कल कितना मजा आया था ना? तुम नेक्स्ट वीक मेरे घर पर आना पजामा पार्टी के लिए, ओके? हाँ पियू, कल कितना मजा आया, हम कन्नू को भी बुलाएंगे और सैनी को भी। डन। ठीक नहीं कर पाएंगे। चलो मैं वो दूसरे वाले अंकल को बुलाती हूँ। बॉस, हम लोग नजफगढ़ की तरफ निकल चुके हैं। हाँ आप चिंता मत करो, काम हो जाएगा। बस हम पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं, अब इतना याद रखिए, मेरी पैसे वाली बात याद रखिएगा। हाँ डबल पैसा लगेगा, बहुत परेशान हो चुके हम लोग। ओह यस, ये तो इशिता आंटी की जैसी साड़ी है। कल सुबह जब मैं त्रिशा के घर पर जा रही थी, तब मैंने हार वाली आंटी को यही साड़ी में देखा था। पर ये लोग है कौन? मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो औरत एक नंबर की झूठी है, और उसका ये प्यार की कैद सब उसका ड्रामा था, और उसे ड्रामा करने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने सुना कि जज ने इशिता को क्या कहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया हो। एंड मे बी प्लीज रघुन मामा, वो कौन से है? इशिता की साइड लेना बंद कीजिए। मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जस्ट फॉर वंस एक बार सोच कर, उसने ये सब किया भी है तो उसने ये सब तुम्हारे लिए किया है। कितना प्यार करती है वो तुमसे। I can't believe this. Wow. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ये सब बोल रहे हैं। शायद तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम एक माँ बन जाओगी ना तो समझ जाओगी। पीयू के बाद ही मुझे समझ आए कि अनकंडीशनली प्यार कैसे करते हैं। तू ही बस एक बार जो तुम्हारा रमन और इशिता पर गुस्सा है उसे भूल जाओ, इस परिवार पर जो गुस्सा है उसे भूल जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि इशिता तुमसे कितना प्यार करती। शी रियली केयर्स फॉर यू रोही। और इस बात को भाभी, आपको मम्मी जी बुला रहे हैं। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा उसके बारे में एक बार सोचना। हेलो। हेलो रूही दीदी। पीहू, अब क्या हुआ पीहू, तुम ठीक हो? हाँ रूही दीदी, मैं तो ठीक हूँ। पर आपको पता है मैंने क्या देखा रूही दीदी? मैंने देखा कुछ गुंडे अंकल गाड़ी में ना एक बोरी डाल रहे थे, और उस बोरी से ना एक साड़ी का पल्लू बाहर आ रहा था। वो बिल्कुल इशिता आंटी की साड़ी की तरह था।
What? Are you sure, Piyu? हाँ हाँ रोहित दीदी, मैंने देखा वो गाड़ी लेकर चले गए और वो अंकल ना गुंडे की तरह दिख रहे थे। I can't believe this कि इशिता ने पीहु को किस्म में इन्वॉल्व कर दिया, और कितना गिरेंगी वो। अब मुझे उनसे मिलकर ये सारा ड्रामा खत्म करना होगा। मुझे शकुन मामा और जज मैम को प्रूव करना होगा ये सब सिर्फ एक ड्रामा। अब पीहु तुम कहाँ पे हो? हम सूरज कुंड के पास हैं। अच्छा एक काम करो पीहु, तुम ना अपनी फ्रेंड की मम्मी को दे दो ना फोन। ओके। हाय नहीं, आप अप्पा से मिलने आए हैं? एक्चुअली अप्पा जस्ट अभी निकले हैं। एक्चुअली आलिया मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उससे मिलने हैं? एनीवे प्लीज कम इनसाइड। आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी एनी? नथिंग आलिया, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। मुझसे क्या बात करनी है आपको? आलिया जो तुमने वंदु अक्का को एडवाइस दी ना वो तुम्हें नहीं देनी चाहिए। वो एक मैरिड कपल है और मैच्योर रिलेशनशिप्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। I'm sorry, but मैं तो सिर्फ अंतरजीत की हेल्प करना चाहती थी, उनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट लाना चाहती थी। That's it. I'm sure कि तुम्हारा इंटेंशन करेक्ट था, लेकिन आलिया दिस इज नॉट अ जोक और ना ही कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। दे आर अ मैरिड कपल। तुम्हें पता है आज तुम्हारे कारण वंदु अक्का और बाला जीजू में इतनी बड़ी लड़ाई होगी और वंदु अक्का वहां पे गुस्से से चली गई। लुक आलिया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक पति और पत्नी के बीच में एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सालों से एक साथ रहते हैं। वी आर नोबडी टू गिव देम एनी काइंड ऑफ एडवाइस। और तुमने जो आज किया वो बहुत गलत किया। लुक ऑलरेडी घर में इतनी सारी टेंशन चल रही है, प्लीज उनमें ऐड मत करो। आई होप तुम्हें समझ आ रही है कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज उनको रहने दो, उनके जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। तुम्हें उन्हें सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, राइट? ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मिहिर सही बोल रहे हैं, मुझे उनके मैरिड लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। क्या करूं? तो चित्ती को फोन करती हूँ। सुबह से शाम हो गई, बाला से एक भी बार बात नहीं की मैंने। वेरी गुड, तड़पने दो से। क्यों फोन कर रहा है बाला मुझे? समझ में नहीं आता कि मुझे नहीं बात करनी है? मेरा मजाक बना के रख, नहीं उठाऊंगी। ये बाला मेरा समझ में नहीं आता, उसको कितना इरिटेटिंग है, मुझे नहीं बात करनी है। आलिया? मैं स्ट्रेस में थी, मैंने देखा नहीं, मेरी गलती है। I'm really sorry, आपको जो पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगी। I'm really sorry, please forgive me भैया। लेकिन चलो चलो अभी कोई बात नहीं, चलो निकलो। चल भाई, चल चल चल। भैया इसमें बोरी में क्या? जल्दी। अरे मैडम अपना काम करो ना। यार वंदु प्लीज पिक अप द फोन। फोन नहीं उठ रही, इतने फोन ट्राई कर चुका, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। अम्मा अक्सर आ जाती है, आज पता नहीं क्यों लेट हो गई है। पर बाला वो तुम्हारा फोन क्यों नहीं ले रही है? तुम दोनों में कुछ झगड़ा हो गया क्या? अब अम्मा आपको क्या बताऊं कि हमारे बीच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वंदु किसका रंग गुस्सा है मुझसे नहीं बता सकती। वंदु क्या चे, सब ठीक है ना? वंदु क्या हो गया तुम्हें, कहाँ थी तुम? अरे तुम्हारी क्लासेस तो शाम को ही खत्म हो जाती हैं, और इतनी बार मैंने तुम्हें फोन किया, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? What's wrong with you?
I'm really sorry. मैं ये जो कुछ की नहीं करना चाहती थी। संधू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ क्या है? क्या नहीं करना चाहती थी तुम? हाँ? बताओ मुझे। वाला प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो। Don't cry. Please, तुम छोड़ो। मैं पानी लेके आती हूँ। यहाँ बैठ। तू काम डाउन, हम सब लोग हैं यहाँ पे तुम्हारे साथ। हाँ बंदो, पानी पियो। अब बताओ मुझे क्या हुआ, बात क्या है? कुछ भी नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे मुझे एक चीज बताओ, ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये मेजर था? मतलब किसी की जान वगैरह तो? मुझे नहीं पता बाला, क्योंकि जब वो गाड़ी ऐसे ठुकी ना, तो एक वो गोनी हिल रही थी, मे बी उसमें कोई आने वाले या कुछ होगा, बट आई डोंट नो। जब तक मैं जाके देखती, उन्होंने वो गोनी उठाई और वो लोग चले गए। अरे भाई ये बंधु देखो, तुमने किसी को हार्ट नहीं किया है ना? It's okay बंद, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस स्टेशन चल के इस एक्सीडेंट की खबर दे देंगे। बार-बार कुछ नहीं बंदो, कुछ नहीं होगा, जस्ट ट्रस्ट मी। देखो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें खबर जाकर पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए, और अगर वहां पर किसी ने रिपोर्ट फाइल कराई होगी तो हम लोग डैमेजेस देके ये केस रफा दफा कर देंगे। ओके क्या अब तक करनी है? हाँ भाई, इन्वेस्टर मीटिंग कैसी थी? डिटेल्स इस फाइल में पढ़ ले यार, मैं बहुत टेंस्ड हूँ। इसी तो अब तक घर नहीं पहुंची, और ना कोई फोन आया उसका। ये सब छोड़ो, आपने रूही से बात की कि नहीं? मैं सुबह से बाहर था, वो इतनी परेशान है, वैसे हम सबसे चिड़ी हुई। अगर ऐसे में उसे निधि को फोन करके सब कुछ बता दिया ना, तो फिर बहुत बड़ा पकड़ा खड़ा हो जाएगा। आप एक काम करो, आप रूही से बात करो, मैं जाके इन्वेस्टर से मिलता हूँ, ऑफिस से मिलता हूँ, यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट। पीहू, तुम्हें पक्का याद है ना कि वो साईं बाबा का ही स्टिकर था वैन पे? हाँ, और इस पे लिखा था सबका मालिक एक। पीहू, पक्का अशिता आंटी ने तुमसे कुछ नहीं कहा ना? सोच के बोलो प्लीज। उन्होंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि मुझे फोन करना, कोई गेम तो नहीं खेल रही है ना वो? अब प्लीज पीहू, थोड़ा याद करो, सोच के बताओ। अरे नहीं नहीं रूही दीदी, मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है कल सुबह से। मैं तो त्रिशा के घर पे थी, और फिर मैंने उन्हें उस साड़ी में देखा था, उसके बाद मैं उनसे मिली नहीं, और फिर मैंने उस बोरी में वो साड़ी का पल्लू देखा था, और फिर। अच्छा अच्छा, ओके बाबा, आई ट्रस्ट यू, बट तुमने जगह का नाम तो ठीक से सुना था ना? हाँ, नजफगढ़। भैया, ये नजफगढ़ कितना दूर है? बस थोड़ी देर में ही आ जाएगा। ठीक। पापा का फोन? तुम कुछ भी मत बोलो, एकदम चुप रहना, मैं हैंडल करती हूँ। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या करें, कुछ भी मत बोलना। ओके हेलो रूही, बेटा कहाँ हो आप? घर पे हो? तो चलो मैं घर आता हूँ, फिर हम डिनर पे चलते हैं। नहीं नहीं पापा, वो एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर आई हुई हूँ। बाहर कहाँ, किसके साथ हुई? पापा वो मैं पीहू के साथ हूँ, मैं उसे पिक करने आई थी। वो पीहू अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई थी ना, तो उसके पेरेंट्स उसे ड्रॉप करने आ रहे थे, बट अचानक उनकी गाड़ी ना खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं पीहू को पिक करने आ जाती हूँ। तो ठीक है, चलो बताओ कहाँ गाड़ी खराब हुई है, मैं आता हूँ सबको पिकअप करने। अरे नहीं नहीं पापा, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी ना। पापा आप इतना टेंशन मत लो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, एंड वैसे भी हम दोनों को ना आइसक्रीम खानी है, तो हम इसके बाद साउथ एक्स जाने वाले हैं। पर आप चिंता मत करो, हम आइसक्रीम खाने के बाद ना डायरेक्टली घर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कैब डिटेल्स तो मुझे एसएमएस कर दो कम से कम। पापा वो हम जुलू कैब्स में हैं, बाकी की डिटेल्स ना मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। ठीक। रूही दीदी पापा को मत बोलना, वरना तो पापा है हमें जाने नहीं देंगे। ओके ओके पापा, बाय बाय। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? यूं क्यों कह रही है कि पापा को मत बताना? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कहीं निधि ने दोनों को
सोनू कैब के हेड ऑफिस से फोन करता। पीहू, मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहना। आई होप पापा को कुछ पता नहीं चला, बट आई थिंक उन्हें नहीं पता चला कि हम कहाँ हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।